अभी यहाँ पे यहाँ पे ये है नमो तेरे पापा, देख जल्दी आ। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। हेलो हाय, नमस्कार और पहला आप सभी को मेरा, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए कर लेते हैं एक और नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो सुबह सुबह का टाइम है अभी और फिलहाल नहा धो के मैं दुकान में आई। दुकान का थोड़ा बहुत काम कर लिया, थोड़ा थोड़ा जड़ वगैरह, और इसको सिलना था। मैंने कल यहीं पर पड़ा था, देखा होगा आपने कल की वीडियो में। तो इसको जिप विप लगाना था और इसकी फिटिंग देनी थी। तो फिर आज इसी का ब्लाउज है, इसको हुक तुरपन करना है। तो इसको छत में ले चलती हूँ और चलते हैं छत में, नाश्ता वगैरह करते हैं। और सुबह सुबह का 9:30 बजे का टाइम है, तो बने रहिएगा। दिन भर जो भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा आज, ठीक। फिर से गाजर की हलवा बनाने की तैयारी, दोनों देवरानी जेठानी लगे हैं। ये फिर से सारे गाजर कोर के एक टब भर लिए हैं, कलियो बना रहे हैं मम्मी अपने बेटी के लिए, क्योंकि कल जा रहे हैं। A few moments later. तो ये अभी आटा गूंथा जा रहा है, इससे बनेंगे खजूरे। तो ज्यादा इसलिए गूंथ रहे की दो हिस्से में बटने वाला है, एक बेटी के लिए एक बेटे के लिए। बाकी हम तो यहीं रहेंगे, खाते रहेंगे, एक एक मिलते रहेंगे हमें। और ये कल चले जाएंगे तो इनका हिस्सा बन रहा है ये। जो बच जाएगा फिर हमारा, जो बच जाएगा मुश्किल ही बचेगा, और नरेंद्र भैया के लिए भी। तो मैंने आटा गूंथ लिया, गरम हो गया है, और यहाँ पे ना सारे शरमदान में है, सब लगे हैं। देखो दिखा दिया मैंने, तो सभी शरमदान में लगे हैं। एक बेटी को ससुराल बुला जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दीपा ही है एक ससुराल जाने वाली, और तो बाकी सभी मायके वाले हैं, तो उसको तैयार करने में सभी लगे हैं। यहाँ पे ये वो बना रही है ब्रेड पिज्जा, अरे ले बना, क्या बनाने वाली है तू दीक्षित। ये है पहाड़ी बर्फी, पहाड़ी बर्फी, ये आ गया स्कूल से। तो शीला है रुण के, रुण के, रुण के लड़की। अच्छा आपके साथ में इतने सारे बन गए हैं, दो हिस्से हैं इसमें, और इनने हाथ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया हाथ? सबसे पहले मैंने लगाया गूंथने में, ठीक है, और बाकी कटिंग वटिंग और सबका श्रमदान है इसमें आज। सो अभी यहाँ पे रख दिया है किचन में, और सुबह से गाजर का हलवा बना बनो के पैक कर लिया मम्मी ने, और इसको शाम को तलेंगे। तो शाम को ये लोगों का खाना तो औरों के वहाँ है। यहाँ पे तैयारी कर ली है, थोड़ा बहुत मम्मी ने सामान, चावल का आटा, हल्दी वगैरह मसाला पैक कर लिया है। बस यही होता है पहाड़ का प्यार, कुछ इसमें कुछ इसमें, बाकी इनका सामान। फिर से इन लोगों का पिड्डू मानू डरा रहे तेरे को। हेलो 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 गाइस, ले भाग भानु, ए भाग भानु, भाग भानु, अरे यार आउट हो गया। और दिन हो गया है आज हमारा, अभी हो रहा है किचन का काम। मम्मी ने तो ये तेल भी रख दिया है तलने के लिए, तो बाकी बर्तन वर्तन धो के मैंने बर्तन धो लिए हैं। अब चलते हैं बाहर को, मेरे को किसी काम के लिए आना पड़ा है, वहाँ से वो लेके आना है कोलर। ताऊ जी आए हैं आज, हेलो ताऊ जी, आ घर से आए हैं ताऊ जी। तो मैं यहाँ जा रही हूँ दीदी के वहाँ नमक पीसने वाला गोलर ले गया। यहाँ सब बिना पूछे ही सामान लिया जाता है, इसके अंदर होगा। अरे यार यहाँ भी तो इतना ही है, ये तो छोटा ही है। दीदी से पूछ के आते हैं, अरे यहाँ तो बहुत है, इससे बड़ा वाला है। ताई जी आए हैं, ये पहलाक पहलाक पहलाक
ये बैठे हैं यहाँ पे, तभी ये ऊपर के छतने आ रहे हैं आज। इतना ही है वहाँ पे तो तो अब राधा नमक में कर रही है श्रमदान अपने बहनों के लिए, एक वंदना के लिए और दीपा के लिए। इसका तो पर्स वर्स भी सूखने लग गए हैं, बाकी फिर ये दीपा का पिसेगा, पहले ये पिस रहा वंदना का। तो इन दोनों की निगरानी में पीछा जा रहा है, कहीं खराब तो नहीं कर रहे, गड़बड़ नहीं कर रहे, इसलिए निगरानी रख रहे दोनों नमक खाने वाले। और खूब ध्यान से लगी, देखो मैं भी पीस रही हूँ, और वंदना और दीपा के लिए। वंदना के खास तक वंदना खास क्यों खास, मैं हूँ इस बार वो, हाँ है ना, वंदना को इस बार ज्यादा नहीं मिलने वाला, पिछली बार भी गया उसके लिए, इतना ज्यादा स्पेशल फील नहीं करवाते हम किसी को। ठीक है इस बार ज्यादा बड़े डिब्बा में दीपा नहीं रहेगी। और हाँ वही यहाँ पे बन गए हैं, ये चखा जाए इनको एक बार, कोई कोई तो इतने मोटे हो रहे ना। तो अभी चख रही हूँ कितना मीठा हो रहा है, और की मम्मी तो बनाए रहे अभी बहुत है बनाने, ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, कम कम वाले। सो फिलहाल दुकान में आ गई हूँ, आज मेरे को 4 ऊपर ही बज गए हैं, मतलब काम हम मेरा चौपट देखो करेक्ट 4 हो रखा है। तो फिलहाल करती हूँ काम स्टार्ट, यहाँ पे बंद ही था, फिर मिलते हो शाम को। ये भिखारी कौन है, कौन है हमारे किचन में भिखारी, भिखारी कौन है ये, हेलो। अभी दुकान से घर आ गई हूँ 6:30 बजे, और पीछे मैंने दूध गर्म करने रखा है, और बाकी खाना वाना तो हम लोग बनाएंगे, आटा गुटके है। दीपा लोगों का खाना नीचे है, किट्टू लोगों के वहाँ, यहाँ ऐसा होता ना एक एक परिवार एक एक दिन रोज खिलाते हैं, मतलब बेटी दामाद को, तो राधा लोगों ने खिला दिया, नीलम की मम्मी ने खिला दिया, आज किट्टू लोगों की बारी है, तो आज का खाना उनके घर है ना, और हमारा दिन की सब्जी बची है। ये लोग इधर देख क्या कर रहे हैं, तारा जुगदा, हाँ बताओ, ये दीपा, ये प्रकार दोनों की खींच, देखो ये दीपा है, ये है अभी यहाँ पे, यहाँ पे ये है नमो तेरे पापा, देख जल्दी आ पापा, नमो पापा, देख कितने स्मार्ट हैं, बचपन में फ्रॉक से सजा पहन रखा है। ये दीपा बुआ है, मैं तो कहाँ होती यहाँ, हाँ ये तो वो है, ये हूँ मैं, ये मैं, ये बबी, देख अम्मा, या अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे, तो इसी बात के लिए हंसी हो रही है यहाँ पे। और ये रहे नरेन भैया, ये देखो सब देख रहे हैं आज, पुराने पुराने दिनों के याद ताजा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। बाल विवाह हुआ था इसका, एल्बम के चक्कर में दूध बाल आ गया मेरा। तो एक और चीज दिखाते मैं आपको, ये आगरा ना जाओ और ताजमहल पकड़ो नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, तो कभी आने वाले समय में मैं भी जाऊंगी, तो आज ये ताजमहल की मुंडी ऐसी पकड़ूंगी मैं भी, ना नमो तू भी मैं भी पकड़ के आएंगे इसको, ये मेरी भी थी, ऐसी पकड़ेंगे, तू ले जाएगा ना मुझे वहाँ। तो दोस्तों अभी फिलहाल कमरे में आ गए हैं, इसका होमवर्क होमवर्क करना होता है, और मेरे को यहाँ पे इतने कपड़े पड़े हैं दिन के धोए हुए, इनको तय लगानी है, और फिर आज सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह से बाल भी नहीं बनाई है, ऐसे ही गुमचा रखे,
दिन में धूप में बैठे थे ना, खजूरे वजूरे नमक वमक करने तक, तो सिर दर्द हो गया धूप की वजह से, या पता नहीं क्यों हुआ, सुबह सर्द हो गया था, ठंडा लगा क्या हुआ। तो फिर आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मत करना, क्यों फेंक दे रहा है बलून, वो जो कल बलून मिला था ना वही नाचने में लगा है। तो फिर हाल, और हाँ आज भी आई थी ना वो छोटी बच्ची एक सेंटर फ्रूट देख के गई, और मैं उसकी वीडियो बनाई, फिर उसने बोला ना ना आंटी ना मेरे पापा देखते हैं, उसके पापा आर्मी में है ना, तो वहाँ से देखते हैं, वो बोलेंगे कहाँ गई थी तू, क्यों गई थी बाजार, ये वो कहते हैं, तो मत डालना वीडियो में करती, तो मैं नहीं डालूंगी वीडियो तो बनाई मैंने। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल किसी अच्छे से नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय एंड गुड नाइट।